ओके हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत। आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। मेरे चैनल में दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जिस मूवी की मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, तो मूवी के एंड तक बने रहना एंड कीप वॉचिंग। तो दोस्तों चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सर्गस नाम के एक फिशरमैन को देखते हैं जो ओशन में फिश पकड़ने जाता है, और इंस्टेंटली उसके फिशिंग नेट में एक लड़की फंस जाती है। जो उस लड़की को देखकर जो हमारा फिशरमैन है जिसका नाम सर्गस था, वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि एक ओशन के अंदर है ये लड़की कैसे फंस गई और यहाँ पर कैसे आई होगी। वो उस लड़की की दोस्तों हेल्प करता है और उसको लाइव करता है, उसे जिंदा करता है क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसे CPR देता है और उसके जो फेफड़ों में पानी भर गया था उनको निकाल कर उस लड़की को वो होश में लाता है। वो लड़की सब कुछ भूल चुकी थी। जैसे वो होश में आकर बताती है, वो कहती है कि मुझे अपना नाम कुछ याद नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा हस्बैंड कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। तो सर्गस दोस्तों उस लड़की की हेल्प करता है और उसे अपने कपड़े उतार कर देता है जो कि उसे ठंडा लगे, और उसे अपनी शिप के एक रूम में ले जाता है और उसे वहाँ पर बैठा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सर्गस अपनी एक मदर होती है उसके रूम में उस लड़की को ले जाता है, क्योंकि उसकी मदर थी जो वो मर गई थी, तो वो उस लड़की को उनके हाउस पर ले जाता है और उन्हें वहीं पर स्टे करने के लिए कहता है। वो लड़की कहती है कि क्या मैं इस घर में हमेशा के लिए रह सकती हूँ। तो सर्गस कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकती हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ पर देखते हैं सर्गस की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है डोना। सर्गस के यहाँ पर वाइफ को भी देखते हैं जिसके साथ उसका तलाक होने वाला था, और हमें यहाँ पर दोस्तों ये पता पड़ता है कि जो सर्गस की बेटी डोना थी उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी, और वो उसका डायलिसिस करवाने के लिए एवरी वीक उसको एक हॉस्पिटल में लेकर जाता था, और वो इस बार लेट हो गया था। तो वो उस हॉस्पिटल में जाता है और उसको एक स्टोरी सुनाता है, यानी कि अपनी बेटी डोना को एक स्टोरी सुनाता है वो, और उसे बताता है कि एक बार एक फिशरमैन होता है जिसके नेट में एक लड़की फंस जाती है। तब डोना अपने फादर से कहती है कि क्या वो लड़की सलगी तो नहीं, क्या उसका नाम सलगी तो नहीं, क्योंकि, और दोस्तों मैं आपको बता दूं सलगी एक ऐसी स्टोरी है, वो एक अमेरिकन स्टोरी है जिसमें एक लड़की होती है जो कि एक वाटर के पानी के अंदर रहती है, ओशंस में रहती है, और अगर वो अपना कोट बरी कर देती है, जला देती है या फिर दफना देती है, तो वो धरती पर 7 साल तक रह सकती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोना होती है उसका डायलिसिस हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और उसको यहाँ पर एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर मिली थी जिससे वो अपने हाथों से कंट्रोल कर सके। हम देखते हैं यहाँ पर सर्गस की हम वाइफ को देखते हैं जो कि एक अल्कोहलिक औरत थी, वो ड्रग्स भी लेती थी, वो ड्रिंक्स भी करती थी, और ऑल इन ऑल वो सर्गस को बहुत बुरी तरह से बिहेव करती थी उस साथ, और हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही गलत औरत थी। हम देखते हैं सर्गस उस लड़की के साथ जो उसको अपनी शिप पर मिली थी फिशिंग के दौरान, वो उस लड़की को फिशिंग डॉकयार्ड पर लेकर जाता है और वहाँ पर अपनी बोट को अपने पास बुलाता है, उसे खींचता है और कहता है कि, और वो लड़की भी उस फिशरमैन से कहती है, यानी कि सर्गस से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, और सर्गस उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि हमारी कंट्री का और हमारे समाज का ये रूल है कि हम अपनी बोट पर एक औरत को नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम एक औरत को ले जाएंगे तो जो हमारी फिशिंग एबिलिटीज़ हैं वो खतरे में आ जाएंगे और हम फिशिंग नहीं कर पाएंगे, और जिससे हमारा पेट नहीं भर पाएगा और हमारा परिवार नहीं चल पाएगा। तो वो उसके मुंह पर मना कर देता है, पर वो लड़की कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, हो सकता है इस बार तुम्हारा लक बदल जाए। हम इसके बाद इस लड़की को सर्गस की बोट पर देखते हैं, और वहां पर वो लड़की सर्गस को अपना नाम बताती है जो उसे याद आ चुका था, और दोस्तों उसका नाम था ओंडा। ओंडा सर्गस से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ फिशिंग करने में, तो वो वहाँ पर एक गाना गाती है जिसके कारण दोस्तों देखते देखते वहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ आ जाती हैं कि उसका 2 दिन का खर्चा सर्गस का वो उन मछलियों से चल सके। सर्गस उससे कहता है कि तुम मेरे साथ अब डेली आ सकती हो, कि इसके अलावा मैं तुमको तुम्हारा एक कुछ एक्सपेंसिस भी दूंगा, यानी कि तुम्हारे खर्चे के लिए मैं तुम्हें कुछ रुपये भी दूंगा, पर ओंडा इन सब चीज़ों से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे उस रूम में रहूँगी जहाँ पर तुम्हारी मदर का हाउस है। तो अगले दिन सर्गस एक शॉपिंग मॉल में जाता है और उस लड़की के लिए कुछ कपड़े बाय करने जाता है। वो अंडरगारमेंट्स बाय करने में उसे शर्म आ रही थी, तो वो उन्हें चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में दोस्तों हम देखते हैं कि सर्गस जो होता है वो अपनी कार में जा रहा होता है, और उसे उसकी डॉटर वहां पर मिलती है, और वो उसे बताता है कि आज मैं फिर से उसी लड़की से मिला था जो मेरे नेट में फंसी थी। तो वो लड़की कहती है कि डैड वो एक सलगी है, क्योंकि वो आपको पानी में से मिली थी, और डेफिनेटली उसका एक कोट होगा जो उसे बरी करना होगा जिससे कि वो हमारे साथ रह सके 7 सालों तक। अगले दिन हम देखते हैं कि जो सर्गस होता है ओंडा को अपनी ड्रेस पकड़ा देता है, उसके लिए खाना वाना बनाता है, उसे खाना खिलाकर वो वहाँ से अपनी फिशिंग यार्ड के लिए जा रहा ही होता है। हम देखते हैं कि सर्गस की जो डॉटर होती है उसे सलगी के बारे में और कुछ भी और पढ़ना था, तो वो एक लाइब्रेरी में एक बुक इशू करवाती है और उसे उसके ऊपर रिसर्च करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सर्गस एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो अपना ये कन्फेशन करने जा रहा था कि उसने 5 सालों से कोई भी गुनाह नहीं करा है, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर से जितने भी इल्ज़ाम हैं, यानी कि मेरे जितने पुराने केसेस हैं, वो सारे मेरे ऊपर से हटा दिए जाएँ।
आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो सर्गस होता है वो ओंडन के बारे में उस प्रीस्ट को बताता है जो कि उस चर्च का एक प्रीस्ट था, और वो प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम आगे जो भी तुम्हारे साथ होगा ओंडन के साथ और तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम उसकी सारी डिटेल मुझे दोगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जो ओंडा होती है ओंडा को हम एक पूल में देखते हैं और सर्गस की बेटी डोना को भी हम उस पूल के किनारे पर देखते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में बातचीत हो रही है और डोना ओंडा से कह रही है कि क्या तुम एक सलगी हो, पर ओंडा उस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देती है और वो वहाँ से चुप ही उसके साथ से निकल जाती है और उसे बिना इस बात का जवाब दिए हुए। डोना ओंडा से ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि अगर तुम अपना कोट बरी कर दोगे तो मैं यहाँ पर 7 साल के लिए रह सकती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जो सर्गस होता है वो भी बुक इशू करवाने के लिए लाइब्रेरी में जाता है जो कि सलगी किसके ऊपर थी, और वो उनके बारे में वो भी पढ़ना शुरू करता है। फिर हम देखते हैं कि सर्गस की जो बेटी होती है डोना वो अपने दोस्तों के साथ रहती है, और दोस्तों क्योंकि वो लड़की एक अपाहिज हम कह सकते हैं क्योंकि एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर पर वो लड़की चल रही थी, उसके दोस्त उसे तंग करते हैं। यहाँ से दोस्तों फिर चेंज होता है सीन और हम देखते हैं कि हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक किनारे पर खड़ा था और वो ओंडन को ढूंढ रहा था, और ओंडन को ढूंढते ढूंढते वो शहर में पहुंच चुका था। दोस्तों ये आपको आप पीछे पता चलेगा कि आदमी वो कौन है। हम देखते हैं कि जो ओंडा है वो सर्गस के साथ उसकी बोट में आती है और वो सर्गस से उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पर होता है, और हम देखते हैं कि जो सर्गस है वो यहाँ पर तरक्की करे जा रहा है, और देखते हैं कि यहाँ पर एक जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो उसकी शिप पर आते हैं सर्गस की पर, और देखते हैं कि ये आदमी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, इसका क्या रीज़न है। तो हम देखते हैं कि जो वो कोस्ट गार्ड पुलिसमैन होते हैं उनको वो लड़की यानी कि ओंडा उसकी शिप में मिलती है, और वो उसे कहते हैं कि हम ये सारी बातें हमारे समाज को बताएंगे कि तुम अपनी बोट पर एक लड़की को कैसे ला सकते हो। अब यहाँ पर जो सर्गस होता है वो ओंडा से कहता है कि ओंडा अब तुम्हें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब बाहर आ सकते हो, क्योंकि जब भी समाज को हमारे बारे में पता चल गया है तो उन्हें पता पड़ जाने दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर भी क्या सकते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों अपने कोस्ट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जितने भी शिप्स खड़ी थी उन सब के ओनर या फिर और उनके समाज के सारे लोग उनको चिढ़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम धब्बा हो हमारे समाज के नाम पर क्योंकि तुम एक लड़की को एक अपनी बोट में लेके गए हो। अब सर्गस जो होता है वो कहता है कि अब तुम्हारा छुपे रहने का कोई मतलब नहीं बनता, अब तुम मेरे साथ घुमा करो, मेरे साथ ही रहा करो और हम दोनों साथ में आउटिंग करेंगे। ये दोनों बाहर घूमते होते हैं और डोना भी इनके साथ आ जाती है, ये तीनों घूमते रहते हैं। फिर ये दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि जो सर्गस है वो ओंडा को नए कपड़े दिलाता है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डोना है यानी कि सर्गस की डॉटर वो ओंडा से ये कहते हैं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, और वो कहती है कि जो तुम्हारा कोट है तुम उसे सी में से निकालो और उसे बरी कर दो ताकि तुम हमारे साथ यहाँ पर धरती पर रह सको क्योंकि तुम एक सलगी हो और तुम्हें पानी में रहती हो। इसके बाद हम दोनों देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर एक सी में जाते हैं और ओंडा के पैर में कुछ फंस जाता है, और जो डोना है वो उससे कहती है ये तुम्हारा कोट है और तुम्हें इसको ही बरी करना पड़ेगा, मुझे पता है कि यही तुम्हारा कोट है और तुम एक सलगी हो। ये दोनों फिर ये बातें कर रहे होते हैं और ओंडा से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम दोनों देखते हैं ये दोनों एक जगह पर उस कोट को बरी कर देते हैं, और दोस्तों ये कोई कोट नहीं था, ये एक सी वीड थी। पर ओंडा को ऐसा लगता था कि अगर डोना इस चीज़ से खुश है तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, वो दोनों उसे बरी कर देते हैं। फिर दोस्तों हम उसी आदमी को देखते हैं जो हमने कोस्ट पर देखा था, और वो उस शहर में आ जाता है और वो ओंडा को ढूंढने लगता है। हमें यहाँ पर पता पड़ता है दोस्तों ये जो आदमी था ये ओंडा का पति था, ये यहाँ पर ओंडा को देख लेता है पर भीड़ होने की वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। हम देखते हैं कि जो डोना है ओंडा कोशिश करती है उसे तैरने की, तो वो उसे बोट से नीचे फेंक देती है, और तभी हम देखते हैं कि जो डोना है वो उसे वहाँ से निकाल लाती है सी में से। हम जैसे ही मोरा को यानी कि जो सर्गस की वाइफ थी उसको पता पड़ता है कि जो डोना है उसकी डॉटर वो पानी में गिर चुकी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी अपनी डॉटर को लेकर, और वो कहती है कि अब मैं सर्गस के साथ अपनी डॉटर को नहीं छोड़ूंगी और इसकी कस्टडी में लेकर ही रहूँगी। सर्गस ओंडन को ये बताता है कि मेरी ये विश है कि मेरी बेटी जो है वो ठीक हो जाए और उसकी जो कस्टडी है वो मेरे पास आ जाए, मेरी वाइफ के पास नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ एक बहुत ही ज़्यादा गंदी लेडी है, वो ड्रिंक भी करती है और मेरी बेटी को वो बिगाड़ देगी और मेरी बेटी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तब दोस्तों ओंडन सर्गस से कहती है कि मैं भी यही इच्छा करूंगी कि तुम्हारी जो विश है वो पूरी हो। तब ओंडन कहती है सर्गस से पूछती है कि सर्गस तुम्हारा नाम तो सर्गस है और पर लोग तुम्हें सर्कस क्यों बुलाते हैं, तो सर्गस उसे बताता है कि मैं पहले एक सर्कस में ही काम करता था और मैं बहुत ही भोंदू नाम का एक लड़का था तो इसलिए लोग मुझसे सर्कस कहते हैं, पर तुम मुझे सर्गस बुला सकती हो।
दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सर्गस है वो ओंडा से मिलने के लिए जाता है, पर उसको जो ओंडा है वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो अपने घर में जाकर देखता है तो उसे वो वहाँ पर भी नहीं मिलती है, क्योंकि जो ओंडा का जो हस्बैंड था वो उसके घर तक पहुँच चुका था और उससे डरने के मारे वो वहाँ से बचकर अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से जाकर कहीं पर भाग गई थी और कहीं पर जा छुपी थी। हम देखते हैं कि जो सर्गस है वो ओंडा के पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए जाता है और एक केव टाइप, एक गुफा टाइप एक जगह होती है, वहाँ पर वो ओंडा को बैठे हुए देखता है और वो उससे बातें करता है कि ऐसा क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्गस और ओंडा के बीच में बातें होती हैं और ओंडा सर्गस से बताती है कि मैं विश करती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम धरती पर तुम्हारे साथ ही रहूँ और मैं यहीं पर ही बस जाऊँ तुम्हारे साथ और हमारी वेडिंग हो जाए, हम दोनों एक साथ रहें और हम अपनी बेटी डोना को, यानी जो भले ही मेरी मुँह बोली बेटी है पर मैं उसे अपनी सगी माँ की सगी बेटी की तरह मैं उसे प्यार दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्गस की रियल वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही होती है और उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, नशे की हालत में इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और जो मोरा का जो हस्बैंड था जिससे वो वेडिंग करने वाली थी, शादी करने वाली थी, उसके साथ यहाँ पर डोना भी थी और इन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये तीनों हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं ना तो मोरा का जो हस्बैंड होता है, सेकंड हस्बैंड, वो मर जाता है और मोरा की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, पर इस हादसे में जो डोना होती है वो बच जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें मोरा होती है जो उसका सेकंड हस्बैंड जो होता है, हमें उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है और वो समुद्र में उसकी राख को बहा रही होती है। तब जो मोरा होती है वो कहती है कि तुम अब अपनी बेटी डोना की कस्टडी मेरे से ले सकती हो और क्योंकि मैं एक जिम्मेदार औरत नहीं हूँ तो मैं अपनी उस बेटी को नहीं संभाल सकती जितना अच्छी तरह से तुम उसे संभाल सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों घर आते हैं और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, ये दोनों एक ड्रिंक बनाते हैं और जो यहाँ पर सर्गस होता है क्योंकि उसने सालों से नहीं पी हुई थी और वो आखिरी बार अपनी बीवी के साथ बैठकर पीता है और वो पीते पीते दोस्तों वो दोनों वहीं पर जो है बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो सर्गस होता है वो दोस्तों अभी भी दारू के बहुत ही तगड़े नशे में होता है और वो अगले दिन जैसी सुबह उठकर ओंडा को अपने साथ एक अपनी बोट पर ले जाकर एक सुनसान बीच पर ले जाकर वहाँ से छोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं दिख जाना और मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूँगा, ना तो मैं कभी लेना आऊँगा। अगले दिन सर्गस की आंखें खुलती हैं और वो अपनी कई बातों पर अफसोस कर रहा था और वो अगले दिन उसी बीच पर जाता है ओंडा को लेने के लिए, पर ओंडा उसे वहाँ पर नहीं मिलती है तो वो एक कोने में देखता है तो ओंडा उसे वहीं पर ही मिलती है और वो वहाँ पर बैठी बैठी रो रही थी। सर्गस ओंडा को ले जाता है और उसे उसके घर पर छोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सर्गस की बेटी डोना वो एक टीवी देख रही थी और वहाँ पर वही गाना चल रहा था जो ओंडा गाती थी। तब उसे यकीन होता है कि वो कोई सी क्रिएचर नहीं थी, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तभी वो उसे ढूंढने के लिए भागते भागते उसी आइलैंड पर जाता है और उसे फिर से ओंडा वहीं पर मिलती है क्योंकि वो उसके घर से भाग चुकी थी। वो ओंडा को फिर से अपने साथ लेकर आता है और उसे कहता है कि जो मैंने किया वो उसके ऊपर मुझे पछतावा है और मैं तुमसे अपने दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी। इसके बाद ओंडा भी सर्गस को माफ़ कर देती है और उसे अपनी कहानी बताती है कि मैं एक ड्रग माफिया की वाइफ थी और हम दोनों ड्रग लेकर सप्लाई कहीं पर कर रहे थे और हमें पुलिस ने पकड़ लिया था, तब मेरे पति ने मुझे समुद्र में छोड़ दिया था और हम दोनों वहाँ से भाग चुके थे। मेरे पति को तो पकड़ लिया गया था और मैं वहाँ से भाग गई थी और मैं पानी में बेहोश हो गई थी जिसके कारण मैं तुम्हें तुम्हारे नेट में मिली थी और तुमने मुझे अपने नेट में पकड़ लिया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई और तब से अब तक ये कहानी चलती आ रही है। उनके बीच में बातें करता करता तभी वहाँ पर ओंडा का जो रियल हस्बैंड है वो वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है कि वो ड्रग्स कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दी थी। तब ओंडा कहती है कि वो तो मैंने एक जगह पर छुपा रखी हैं और वहीं पर हैं वो ड्रग्स और चलिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ लेने, उन ड्रग्स को लेने के लिए। तब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जैसे ड्रग्स को खोदते हैं उनको वो ड्रग्स जो है वहाँ पर नहीं मिलती हैं। तब वहाँ पर जो सर्गस की बेटी होती है डोना वो बताती है कि मैंने ड्रग्स को कहीं पर नहीं देखा, वो तो एक वीड थी, सी वीड थी। तब जो ओंडा है वो वहाँ पर बताती रहती है कि मैंने ड्रग्स को कहीं और छुपा दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो डोना है वो उनको निकाल कर देखे कि वो मेरा सी बेड है या फिर और कुछ चीज़ है। तब वो उसे जो ड्रग्स की रियल जगह थी अपने हस्बैंड को वो रियल जगह वो बता देती है और वो दोनों जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसे पानी में वो मिलता है। तब हम देखते हैं कि जैसे ही कि ओंडा का रियल हस्बैंड पानी में जाता है, सर्गस उसको पानी में ही डुबो देता है और उसकी जो ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है और ये दोनों यहीं से अपनी जो लाइफ है उसको यहीं से चुनने का फैसला कर लेते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि हम दोनों अब शादी करेंगे और उस ड्रग्स को वहीं पर ही वो लोग दफना देते हैं जिससे कि वो किसी भी ड्रग माफिया के हाथ नहीं लगती है। पर किसी तरह से दोस्तों ओंडा का जो रियल हस्बैंड होता है वो बच जाता है, पर सर्गस उसको पुलिस को हैंडओवर कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, डोना की कस्टडी भी सर्गस के पास आ चुकी थी, पर सर्गस जैसे ही ओंडा के पास जाता है क्योंकि ओंडा का दूसरे शहर के होने की वजह से उसका वीज़ा जो है ख़त्म हो रहा था तो उसके आगे वो एक प्रपोजल लगता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। ओंडा उसकी बात पर राजी हो जाती है और ये दोनों शादी करते हैं, एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। यहीं पर दोस्तों हमारी मूवी जो है वो एंड